बिटिया तुमको पता है ओ गाने का आइडिया जो है ना और इस सब का ही था। बहुत ही वाहियात था, मन खट्टा होएगा वह हमरा। क्या कर रही है? हाँ, अरे अच्छे से पापड़ बना, ये कैसा लंबा लंबा बेल रही है, गोल बना। अच्छा अगर किसी को मेरी जरूरत है तो मैं हेल्प करने के लिए तैयार। नो थैंक्स, आपकी कोई मदद की जरूरत नहीं है। अब रसम बच्चों ऐसा करो ये अचार जो है वो मर्दबान में डाल दो। हाँ जी जी बिल्कुल। सपना बहू तुम जरा ऊपर जाकर धूप में सूखे कपड़े उतार लाओ, धूप में सबका रंग खराब हो जाएगा, जाओ जल्दी। अम्मा जी चलिए हम आपको दालचीनी डाल के गुड़ वाली चाय पिलाते, चलिए। ना हमका चाय ना पीनी इतनी गर्मी में। तो चलिए आपके लिए ना ठंडा ठंडा सौंफ का शरबत बनाते हैं, तरी हो जाएगी, चलिए। अच्छा ठीक है, मीठा ज्यादा डालना फिर। हाँ हाँ जैसा आपको पसंद है ना वैसा ही बनाएंगे। ए गुस्ताखी माफ कर दे, अब तो इंसाफ कर दे, अपना दिल साफ कर दे, कहना तो मान ले। परेशान करके रखते हैं मुझे। तो मैं कह रहा हूँ मैं खुद जानता हूँ मैं बहुत बेसुरा गाता हूँ, तो माफ कर दो ना, गाना बंद कर दूंगा। जाने भी दे जो भी हुआ, जाने भी दे। सॉरी यार, सॉरी सॉरी। सब जी प्लीज, माफ किया आपको। थैंक यू वेरी मच माफ करने के लिए। वैसे अनऑफिशियली सही, लेकिन मैं आपका पति उसने तमीज से बात करी मुझसे आज के बाद। मेरा पति सोमेंद्र था और आज के बाद ये बात दोबारा कभी मत कहना। तुम मेरे दोस्त हो इसलिए इस घर में रह रहे, वरना ना यहाँ रहते और ना ही ये बकवास करते। मैं तुम कितना भी नाराज हो लेकिन तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ तो है। इंदिरा दीदी आप रो क्यों रही है? इंदिरा दीदी हुआ क्या है? इंदिरा क्या बात? इंदिरा दीदी बताइए कि हुआ क्या है? अभी हम मंदिर गए थे पूजा पाठ करने, वो वापस घर आए, सुबह जी एक लड़की के साथ थे। कि बुरी शादी कैंसर से ज्यादा खतरनाक होती है। एक बार कैंसर का इलाज किया जा सकता है लेकिन इस तरह की शादी का कुछ नहीं किया जा सकता। और इंदिरा एक इंसान है, वो जानवर नहीं जिसे जहां बांध दे और वहीं खड़े रहेगी। और इंसान होने के नाते इसका हक है कि खुद डिसाइड करे जिसके साथ वो रहना चाहती है और किसको छोड़ना चाहती है। तुम चुप करो, अपनी बकैती बंद करो। हमारी बहू को फुसलाए रहे हो एक तरफ और दूसरी तरफ हमारी बिटिया के दिमाग में गलत बात भर रहे हो। आजकल के लड़के लड़कियों को शादी ब्याह सब मजाक लगता है। दादी मैं सिर्फ अपनी बातें कर रहा हूँ, जो मुझे ठीक लग रहा है मैं आपसे कह रहा हूँ। मत कहो, बाहरी आदमी हो बाहरी के ही रहो। इंदिरा कहाँ है? जी आपको प्लीज आप इंदिरा को बुलाइए, वो सब बता दें। अरे आप हैं कौन? लेकिन इंदिरा बेबी 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 तुम कहाँ हो? आप कहाँ जा रहे हैं इस तरह से? इंदिरा आप हैं कौन? देखो मैं आया हूँ। इंदिरा इंदिरा तुमने हमारे बारे में बात की अपने घर वालों से? तुम समर को तलाक देने वाली हो ना? अगर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी सपोर्ट ना की तो हम भागकर शादी कर लेंगे।
इंदिरा प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझ में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो तुमने इस आदमी से अफेयर कर ली? कसम से इंदिरा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें इस इंसान से ज्यादा खुश रखूंगा, इस इंसान से ज्यादा प्यार करूंगा। इंदिरा प्लीज तुम मुझे माफ करो। समर, हम दोनों के बीच में मत आओ। इंदिरा और मैं, हम दोनों दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। चुप करो तुम दोनों, झूठ पे झूठ बोल रहे हो। और आप समर जी, आप एक नंबर के ड्रामे बाज हैं। आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं, इंसान की शक्ल में ना दरिंदे हैं आप, दरिंदे। दादी, दादी समझाइए, क्या हो गया इसे? ये किससे अफेयर कर रही है? इंदिरा, तुम सबको सच्चाई बता दो प्लीज। हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। अरे छोड़ो ये सब, तुम चलो मेरे साथ। छोड़ो हमें। इंदिरा, तुम मुझे चाहे जितना भी मार लो, मैं प्यार से तुमसे ही करता हूँ। इसे भूल जाओ, तुम इस आदमी को। अब हमें छोड़ नहीं सकते, समझे? इंदिरा, बस करो, नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम इस सच्चाई को सबके सामने स्वीकार क्यों नहीं करती? अभी आपको सच्चाई दिखाती हूँ, ये लो। अरे अरे अरे, रहने दो। अरे अरे इंदिरा रुक जाओ, उसे मारना बंद करो। इसे मारने से कुछ हासिल नहीं होगा। पुलिस को बुलाते हैं, फिर पता चल जाएगा कि असलियत में ये आया कहाँ से और उसे भेजा किसने। अरे नहीं, मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए। मैं और झूठ नहीं बोल सकता। अरे तुम क्या जा रहे हो? नहीं ठीक है, मतलब अच्छी बात है, अपने इंदिरा की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। लेकिन मेरा क्या, आप मेरी प्रॉब्लम कब सॉल्व करोगे? सरोजनी कब मानेगी? उसके दिल में मेरे लिए जो होनी चाहिए ना फीलिंग्स, वो कब जागेगी? मुझे माफ कब करेगी? वो कब शांत होगी? कब 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 कुछ करिए ना प्लीज। एक्सक्यूज मी। पहली बार आपने मेरी बात इतनी जल्दी सुन ली। आई लव यू, यू आर ग्रेट, थैंक यू। कहाँ चली गई? हैंडराइटिंग तो उसी की है। खोला तो वो फिर से भाग जाएगी, तो सेम तरीका अपना लूं, बेटर ना? इंदिरा दीदी, आज जो कुछ भी हुआ, भले ही आपके अरमान टूटे, लेकिन आप अपने आप को टूटने नहीं देंगी। आप भूखी प्यासी नहीं रहेंगे। चल जल्दी से खाना खा लीजिए। जी भाभी, आज हम खुद को बहुत हल्का और आजाद महसूस कर रहे हैं। भाभी, ये आपके बिना और ऋषभ जी के बिना संभव नहीं था। सिर्फ आज ही नहीं, जब भी हमें जरूरत पड़ी है उन्होंने हमारी मदद की। जी भाभी, हमारे परिवार को ऐसे इंसान की जरूरत थी। भले ही हम समाजिक के चंगुलों से आजाद होकर खुश हो रहे, लेकिन भाभी अकेला होने का डर बहुत सता रहा है। भाभी, जिंदगी में जीवन साथी की बहुत जरूरत होती है, लेकिन हाँ, एक सही जीवन साथी होना बहुत जरूरी है। मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। भाभी, आप भी कहती थी ना, सवालों से भागना नहीं चाहिए, जवाब ढूंढने चाहिए। हमने आपकी बात मानी। तुम हमारी बेटी हो सरोजनी, और एक माँ के लिए अपनी बेटी की सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब उसकी बेटी को एक योग्य जीवन साथी मिले। और तुम्हारे लिए ऋषभ जैसा जीवन साथी पाकर हम बहुत खुश हैं। तो तुम मुझसे शादी करोगी? इससे शादी करेगी सरोजनी, सुमिंदर के कातिल से?